सो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सातवीं बोर्ड परीक्षा के लिए काफी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। सो दोस्तों, आज के इस क्लास में देखेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि आपकी फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सो दोस्तों, आप लोग भी बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला इस लास्ट तक के बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू, आप देख रहे हैं एजुकेशन बाय गोप्ता। जो लोग चैनल चाहे पे नए हो चाहे वो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबाए के लाओ कली, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दे, क्योंकि लाइक के लिए पैसा नहीं लगता है, तो एक लाइक जरूर कर दे। साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पे भी शेयर कर दे, ताकि और भी स्टूडेंट जोर से भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। सो दोस्तों, इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे लिंक है या चाहे प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहां से देखिए सही प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों आपको बता दी, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही प्रश्न को आप लोग ध्यान सुनने की कोशिश करें कि अच्छी तरह से याद कर सके। दोस्तों आपको बता दी, इस वीडियो में जो भी प्रश्न है, प्रश्न का आंसर आप सभी को पहले से मालूम है तो नीचे जाके कॉमेंट करिए, ताकि आप सभी को भी पता चल सके कि आपका जो तैयारी कैसा है। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को शुरू करते एक एक करके सही प्रश्न को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे और सही प्रश्न को अच्छी तरह से याद करिए, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, हम अच्छी तरह से एक एक करके सही प्रश्न को देखते हैं। हम जो आपको आंसर बताएंगे, उससे पहले आप लोग अपना आंसर जरूर कॉमेंट करिएगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, प्रथम प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस वर्ष आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपदा का लगाया गया था। सो दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है भारत में किस वर्ष आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपदा का लगाया गया था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 1975। यस, तो भारत में किस वर्ष आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपदा का लगाया गया था, तो 1975 में लगाया गया था। एक का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिखी, दोनों प्रश्न कह रहा है कि संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। सो दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी का राइट आंसर है अनुच्छेद 368। यस, तो दो का जो सही आंसर ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखते, तीनों प्रश्न की संविधान का 42वां संशोधन किसके शासनकाल में पारित किया गया था। सो दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है संविधान का 42वां संशोधन किसके शासनकाल में पारित किया गया था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी। यस, तो संविधान का 42वां संशोधन किसके शासनकाल में पारित किया गया था, तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में पारित किया गया था। तीन का जो सही आंसर ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिखते, चारों प्रश्न कह रहा है कि विधि के काल का प्रतिपादन किसने किया। सो दोस्तों, आपसे एग्जाम पूछ सकता है विधि के काल का प्रतिपादन किसने किया। नीचे चार ऑप्शन दिया, इसी तरह आपको बोर्ड एग्जाम में चार ऑप्शन देखने को मिलेगा। जो भी ऑप्शन सही रहेगा उसको OMR शीट में गोला करना रहेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन और सी का राइट आंसर है डाइसी। यस, तो विधि के काल का प्रतिपादन किसने किया था, तो डाइसी ने किया था। चार का जो सही आंसर ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखते, जो पांचवा प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष राज्य का पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। सो दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर 1953। यस, तो 1953 में राज्य का पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। तो पांच का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों, अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दे, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके, वो भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर। सो दोस्तों, इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे तो आपके सामने आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते, इससे पहले आपको बता दें, अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जाके जल्दी से जुड़ जाए, जिसका लिंक वीडियो के नीचे दे दिया है, या आपको टेलीग्राम पे जाना, आपको सर्च कर एजुकेशन बाय गोप्ता जो है आ जाएगा और आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। जुड़ने से यह फायदा हुआ कि एग्जाम के टाइम में काफी हेल्प मिलेगा। यहाँ पे जो छह प्रश्न कह रहा है कि किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सो दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर है खान अब्दुल गफाल खान को जाना जाता है। यस, तो
किसे सिमरत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफार खान के नाम से जाना जाता है। 6 का जो सही आंसर ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिखते जो 7वां प्रश्न कराए कि भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? सो दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है जो कि ENS नबुंदरी पाद। यस, तो भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? तो ENS जो कि नबुंदरी पाद, ठीक है, यही है जो कि मुख्यमंत्री थे। थोड़ा सा यह सब बोलने में कठिनाई हो रहा था, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। तो 7 का जो सही आंसर ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न आप ही दीक्षित जो 8वां प्रश्न कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष और कब हुआ था? सो दोस्तों आपसे क्या पूछ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष और कब हुआ था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी का करेक्ट आंसर 1964। यस, तो जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था? तो 1964 में हुआ था। 8 का जो सही आंसर ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दीक्षित 9वां प्रश्न करा है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? सो दोस्तों आपसे क्या पूछ सकते हैं भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यस, तो 9 का जो सही आंसर ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते जो 10वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? सो दोस्तों आपसे क्या पूछ सकते हैं नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी का राइट आंसर है 2015 में हुआ था। सो दोस्तों आपको याद है कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 2015 में हुआ था। 10 का जो सही आंसर ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आप ही देखते जो 11वां प्रश्न कराए कि शिमला समझौता किस वर्ष जो कि हस्ताक्षरित हुआ? सो दोस्तों आपसे क्या पूछ रहे हैं शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी का राइट आंसर है 1972 में हस्ताक्षरित हुआ। तो 11 का जो सही आंसर ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न आप ही देखते जो 12वां प्रश्न कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? सो दोस्तों आपसे क्या पूछ सकता है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी। यस, तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो इंदिरा गांधी ने दिया। 12 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दे, साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके, वो भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते, इससे पहले आपको बता दें अभी तक आप लोग चाहे वो सब्सक्राइब नहीं किया तो चाहे वो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के लाओ कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न कराए कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? सो दोस्तों ये जो प्रश्न कर रहा है कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी का राइट आंसर है सुंदरलाल बहुगुंडा। यस, तो चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुंडा संबंधित है। तो 13 का जो सही आंसर ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आप देखते जो 14वां प्रश्न कह रहा है कि सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियम हुआ? तो ये जो प्रश्न कर रहा है कि सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियम जो कि अधिनियमित हुआ, इसका जो सही आंसर है जो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर 2005। यस, तो 2005 में सूचना का अधिकार जो कि अधिनियमित हुआ। तो 14 का जो सही आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न आप ही देख से जो 15वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहा है कि बेजनेब किस देश की राष्ट्रपति थे? सो दोस्तों आपसे क्या पूछ सकता है बेजनेब किस देश की राष्ट्रपति थे? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है सोवियत संघ के। तो दोस्तों 15 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आप ही देखते जो 16वां प्रश्न कह रहा है कि गुड यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है कि
गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सो दोस्तों आपसे जाने पूछ सकता है गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है बेलग्रेड में। यस तो 16 का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न आप ही देख सकते जो 17 प्रश्न करा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सो दोस्तों आपसे एक चैनल पूछ सकता है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर 1991 ईस्वी में। यस तो सोवियत संघ विघटन कब हुआ? तो 1991 में हुआ। 17 का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न आप ही देख सकते जो 18 प्रश्न करा है कि यूरोपीय संघ कब अस्तित्व में आया? सो दोस्तों आपसे जाए पूछ सकता है यूरोपीय संघ कब अस्तित्व में आया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर 1993 में आया। तो 18 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न आप ही देख सकते हो 19 प्रश्न की साकर का मुख्यालय कहाँ है? सो दोस्तों आपसे क्या पूछ सकता है साकर का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है काठमांडू। 19 का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न आप ही देख सकते जो 20 प्रश्न कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों आपसे जानना पूछ सकता है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है काशीराम। यस तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो काशीराम है। बीस का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में राजनीतिक विज्ञान के कुल यहाँ पे 20 प्रश्न थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे सही से नीचे कमेंट करें। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो, बेहतर लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने काफी मेहनत लगा है तो एक लाइक बनता है। साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पे भी शेयर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट जोर्स को भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्ति कर सके। सो दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, आपसे का दिन शुभ हो।